दशम ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर। बोलिए भगवान श्री नागेश्वर की जय। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में श्री द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। कथा इस प्रकार है, एक बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते वह भगवान की शिव भक्ति शिवार्चन में लीन रहता था। उसी स्थान पर एक राक्षस रहा करता था, जो उसे शिवार्चना करते देख क्रोधित होकर उसका अहित करने की बात सोचता रहता था। एक बार नौका द्वारा सुप्रिय दूसरे नगर को जा रहा था कि दारुक नामक उस दैत्य ने उसकी नौका पर हमला करके वैश्य सहित सभी यात्रियों को पकड़ लिया तथा अपनी गुफा में ले जाकर कैद कर दिया। वहां भी वैश्य का विश्वास डिगा नहीं। वह वहां दूसरे बंदियों को भी आश्वासन देता कि भगवान शिव हमारी रक्षा अवश्य ही करेंगे। जब सभी भगवान शिव की स्तुति करने लगे तो राक्षस बौखला गया। उसने अपने अनुचरों को सभी बंदियों की हत्या करने का आदेश दे दिया। वे कुछ कर पाते उससे पूर्व ही उस बंदी ग्रह में भगवान शिव एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। सुप्रिया को अपने दर्शन देकर उन्होंने उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया, जिसकी सहायता से उसने दारुक व उसके अनुचरों का वध कर दिया। तत्पश्चात वह शिवधाम को गमन कर गया। भगवान श्री नागेश्वर दर्शन फल। इनके दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। दर्शन करने वाले मनुष्य सभी सुखों का भोग करके अंत में शिव के परम धाम को गमन करते हैं। बोलिए भगवान श्री नागेश्वर की जय।